हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं, आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे सब। आज हम अपने गांव जा रहे हैं फिर से, लेकिन आज रास्ता हमने दूसरा ढूंढ रखा है। ये है मेरी दीरानी। हेलो बोल दे। हेलो, और सब ठीक ठाक? ये तो दिखती है आपको हमेशा। और ये है बहू हमारी, बहू रानी। कैसे हैं आप लोग? इसको अच्छी तरह पहचान लो, पहचानते भी हो और हम साथ साथ में ही रहते हैं। आज हम ये जंगल के रास्ते जा रहे हैं पैदल। ये है, आपको दिखाएंगे वहां से पूरा जंगल का रास्ता। पहले ऐसी ये भनार शिखर पैदल जाते थे, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं वही रास्ता है ये। किसी किसी ने तो देख भी रखा होगा ये रास्ता। और घर से, यहाँ से, धर्मघर से, गांव से सब पैदल जाते थे। एक दो नहीं, पूरे गांव वाले ऐसे जाते थे आराम आराम से, बोलते बोलते मंदिर तक पैदल। और अब है, अब गाड़ी में जाते हैं सब पैदल, कोई जाना नहीं चाहता है। ये रास्ता है, वैसे आज हमें यहीं से मन किया था, लेकिन ये रास्ते से भी कोई नहीं आते आजकल, सब गाड़ी में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मम्मी शिखर भनार की बात कर रही हैं। तो वो हमारे यहाँ के बहुत फेमस मंदिर हैं दो, जो कि काफ़ी ऊपर हैं, तो ट्रैकिंग करके जाना होता है वहाँ। इतनी अच्छी धूप, इतना घना जंगल, पैदल यात्रा, वाह क्या मज़े आ रहे हैं इसमें। ये नज़ारा बहुत कम मिलता है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एक चढ़ाई तो हम चढ़ के आ गए हैं, अभी लंबा रास्ता है, अब जाते हैं आराम आराम से, फिर दिखाते हैं आपको। बहुरानी हमारी थक गई है यार, थकान हो गई। एक तो जुकाम हो रहा है, इसको परेशान हो गई। ये है हमारे गांव का सबसे टॉप मकान, देखिए यहाँ से। सबसे ऊपर का मकान है हमारे गांव का। ये सब आए नहीं है, वैसे आते लोग आ रहे थे। और ठीक ठाक मन भी हो रहा है? नहीं तो हिल दिया तू, गाना चल रहा है। मैंने बहुत डांस कर लिया, मैं नए नए लोगों की बारी है। तो पुरानी हो गई, वैसे नहीं हुई पुरानी, अभी थोड़ा रैंक बड़ा हो गया तेरा, बढ़ गई। वैसे रैंक जिठानी हुई है? सब जिठानी मेरी। ये सोनू की भी? हाँ। अच्छा,
इनका संघर्ष। ये है लाई जो हम परसों गए थे, ऐसे यहाँ से ये लोग धर्मघर लाते हैं। ये है छोटी बच्चिया, ले 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 ले, आजा 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 आजा, नींद लग रही इसको, आजा 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 आजा। आपको बता दूं कि आज पापा का बर्थडे है, मतलब ये व्लॉग जब शूट हुआ है उस दिन पापा का और दद्दू का बर्थडे था। तो क्योंकि पापा छोटे बच्चे हैं तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए जो कि बहुत मस्ती कर रहे हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। भाई और पापा दोनों का बर्थडे होता है 28 अक्टूबर को, और इस बार तो हम थे नहीं साथ में, भाई ने अलग सेलिब्रेट किया और पापा का घर में सेलिब्रेट किया, और हम यहाँ अपने गले का दर्द सेलिब्रेट कर रहे हैं फ़िलहाल। तो बाकी इस व्लॉग के बारे में प्लीज़ पक्का आप कमेंट कीजिए कुछ ना कुछ। तो मम्मी का मतलब मुझे लगता है कि यार क्योंकि मैं करना चाहती हूँ डेली व्लॉग्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं 200 मेरा फ़िलहाल टारगेट है पूरा करना, इसीलिए सिर्फ वो पूरी कोशिश कर रही है मेरे लिए। तो उसको प्यार दिया कीजिए ना, मतलब मुझे अच्छा लगता है। कितना प्यारा व्लॉग बनाया था, लाइक अगर ये व्लॉग आपने शेयर नहीं किया तब तो क्या ही बोलूँ आपसे, करना चाहिए आपको। बाकी इस व्लॉग को ये पेन करते हैं, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपके कमेंट्स, क्योंकि मम्मी भी पढ़ती है, उसको बहुत अच्छा लगता है ना। बाकी आपसे मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे ज़रूरी बात है ये कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। कल मिलते हैं।